स्वामीजन, तो हमारे पास सबसे पहले ये है डम्प ट्रक प्रॉब्लम। एग्जाम्पल ये है, सिक्स डम्प ट्रक्स आर यूज टू हॉल कोल फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ अ स्मॉल माइन टू द रेल रोड। हमारे पास छः डम्प ट्रक्स हैं, ठीक है, जिसका काम ये है छः डम्प ट्रक्स का कि वो जो कोयले को है ना एक एंट्रेंस से दूसरे मतलब समझ लो कि किसी इंडस्ट्री या कहीं पे पहुंचा रहे हैं, एक मतलब कोयले की कान से निकाल के दूसरी इंडस्ट्री वगैरह कहीं पे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाता है कि हमारे पास इसके अंदर जो मेन चीज़ है सवाल के अंदर वो ये है कि ये देखें, ईच ट्रक इज लोडेड बाय वन ऑफ टू लोडर्स, ठीक है ना। अब हमारे पास है ना दो लोडर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, दो लोडर्स हैं जो कि उस ट्रक में कोयला लोड करते हैं, ठीक है। और जब लोड हो जाता है तब वो वेटिंग स्केल की तरफ जाता है कि कितना वेट है इसका, ठीक है। और हमारे पास वेट एक ही अवेलेबल है और जो इसके अंदर जो साइकिल यूज हो रहा है वो फीफो साइकिल यूज हो रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है ना। उस वेटिंग लाइन के अंदर जो पहले आया वो पहले लोड होगा और वही पहले फिर वेटेड होगा एंड सो ऑन, ठीक है। और टाइम बिटवीन डेथ के तो टाइम बिटवीन दैट कि ट्रेवल टाइम फ्रॉम अ लोडर टू द स्केल इज कंसिडर नेग्लिजिबल, कि समझो क्यू से लेके जो स्केल तक का जो हमारे पास टाइम होगा वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब हम उसको हम काउंट नहीं करेंगे, वो मतलब जस्ट समझो कि कुछ ही सेकंड्स होगा तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे कि वो लोडर से स्केल की तरफ जा रहा है। और जब ट्रक वेटेड हो जाएगा मतलब जब उसका वेट निकाल लिया जाएगा तब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, ट्रक बिगिंस एट ट्रेवल टाइम, अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा और अपनी जर्नी यहाँ से कंप्लीट करते हुए वापस लोडर मतलब वापस लोड की तरफ आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग टाइम वेटिंग टाइम एंड ट्रेवल टाइम आर गिवन, बाकी टेबल्स हमारे पास काफ़ी चीज़ें गिवन है। और इसके अंदर एट द लास्ट ऑफ द टाइम हमें जो निकालना है क्वेश्चन जो हमारे पास है कि हमारे पास एवरेज क्या नाम टोटल बिजी टाइम ऑफ स्केल, वेटिंग स्केल का टोटल बिजी टाइम निकालना है, लोडिंग स्केल का लोडर्स का टोटल बिजी टाइम निकालना है और इन दोनों के एवरेजेस भी निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इस पूरा हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है इसके सिस्टम मतलब एक तरीके से सिंपल वे के अंदर इस डायग्राम के थ्रू शो हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि जैसे हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास लोडर क्यू है, यहाँ पे हमारे पास ट्रक की क्यू लगेगी, ठीक है, लाइन लगेगी ट्रक की, जो जितने भी ट्रक्स होंगे वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास लाइन लगेगी। और हमारे पास दो लोडर्स इस तरीके से मतलब जो हमारे पास सवाल में दो लोडर्स हैं, फिर लोड जब लोड हो जाएगा तब वो हमारे पास वेटिंग क्यू में जाएगा कि जहाँ पे वेट होने के लिए लाइन लगेगी और इस जगह इस पॉइंट पे आके वो वेट होगा, स्केल पे से पॉइंट पे आके वेट होगा और फिर पूरे अपनी जर्नी पूरी क्रॉस करके वापस वो लोडिंग क्यू की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जैसे जस्ट लाइक लोडिंग टाइम हमारे पास गिवन है 5, 10, 15 प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो बहुत ही आसान तरीका है कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने का कि 30 तो ऐसे ही आ गया 0.3 0.0.5 0.80 ऐसी तरह 0.80 + 0.2 = 1, ठीक है। रैंडम डिजिट असाइन इसको देख लेता हूँ, हेलो सही है, ठीक है। तो रैंडम डिजिट एक्सेस के 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एंड हुई है वहाँ तक इसकी डिजिट गया 3, ठीक है, जैसे 0.3 है तो यहाँ पे हमारे पास 3 तक गया, जो कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो हमने यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखी और नेक्स्ट स्टेप में 3 के बाद प्लस 1 4 4 2 8 आ गया हमारे पास, ठीक है, इसका जो लास्ट है और नेक्स्ट स्टेप 9 2 0 आ गया। क्या इस चीज़ को मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटिंग टाइम आ गया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैवल टाइम आ गया, ये भी बड़ी ईजी चीज़ है और कुछ खास चीज़ें नहीं है। क्या दिस वेरिएबल फॉर यूजिंग मेमोरी द पर्पस ऑफ सिमुलेशन द लोडर स्किल। अच्छा, तो वहाँ पे जो मेन पर्पज़ है सिमुलेशन का वो यही है कि हमें एस्टिमेट निकालना है कि लोडर और स्केल यूटिलाइजेशन कि कितने टाइम ये बिजी रहा, ठीक है, लोडर कितने टाइम बिजी रहा और कितने टाइम जो स्केल है हमारे पास जो वेटिंग स्केल है हमारे पास जो ये है हमारे पास वेटिंग स्केल
ये कितने टाइम हो गया बिजी रहा और लोडर कितने टाइम हो गया बिजी रहा। ठीक है, द मॉडल हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अच्छा, द मॉडल हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कि हमारे पास इस मॉडल में ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले एल क्यू ऑफ टी। अच्छा, टी हमारे पास डिनोट कर रहा है टाइम से, ठीक है ना। एल क्यू लेंथ ऑफ क्यू, ठीक है, ये लोडर की लोडर, सॉरी लोडर क्यू हमारे पास एल क्यू आ गया। फिर हमारे पास एल आ गया कि जो कि लोड हो रहा है। ठीक है, अब इस लोड की स्टेट क्या हो सकती है, या तो कोई भी लोड नहीं हो रहा होगा मतलब जीरो, या तो एक लोड हो रहा होगा मतलब वन, या तो दोनों लोड हो रहे, दो ट्रक लोड हो रहे होंगे मतलब टू। ठीक है, जीरो कॉमा वन कॉमा या टू, इन तीनों में से कोई एक स्टेट हो सकती है क्या नाम है लोडर की। ठीक है, जो लोड हो रहा है। और फिर आ जाता है हमारे पास वेटिंग क्यू, सॉरी वेगिंग क्यू। तो जो स्केल होने के लिए जो क्यू लग रही है, जो लाइन लग रही है वो उससे मुराद है डब्ल्यू क्यू। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि जो ट्रक वेटिंग हो रहे हैं यहाँ पे इस स्केल वाले पॉइंट पे, जो ट्रक हमारे पास वेट हो रहे हैं वो हमारे पास डब्ल्यू एफ टी आ गया। ठीक है, और फिर आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, ए एल क्यू टी डी टी आई, ऐसे ये हमारे पास इवेंट्स हैं, क्या ये इवेंट्स हमारे पास अकर होंगे। ठीक है ना, ए एल क्यू के अराइविंग लोडिंग क्यू के कि इस लोडिंग क्यू पे जो अराइव होगा, यहाँ से इस तरीके से जो लोडिंग क्यू पे अराइव होगा वो हमारे पास ए एल क्यू है। किस टाइम पे अराइव होगा टी, किस टाइम पे अराइव होगा, और कौन सा डंप ट्रक अराइव होगा डी टी आई, कौन सा डंप ट्रक अराइव होगा वो, ये हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक है ना, फिर ई एल हमारे पास है कि एंड लोडिंग, कि इस लोडिंग से ओके जो मतलब एंड होगा वो वाला, और कौन से टाइम पे होगा और कौन सा ट्रक होगा। इसी तरीके से एंड वेटिंग है कि स्केल होने के बाद जो मतलब एंड की तरफ जाएगा, या मतलब ये जैसे स्केल होने के बाद ये इस तरफ क्या नाम है यहाँ पे जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारे पास एक और इवेंट आ गया। ठीक है ना, ये तीन हमारे पास इवेंट है। अब वापस इस डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। देखो हमारे पास इस डायग्राम के अंदर ना तीन इवेंट अगर हो सकते हैं, या तीन जैसे हमारे पास क्या निकलते हैं फ्यूचर एफ ई एल जो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, एफ ई एल जो निकालते हैं वो इन तीन केसेस में हम लोग निकालेंगे, इन तीन जगह पर निकालेंगे। देखो सबसे पहले जो इस स्केल पे जो ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, एक उसका निकालेंगे कि वो कब एंड होगा, सही है, कि कब वो यहाँ से रवाना होगा अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करेगा। ठीक, और दूसरा हम लोग निकालेंगे इस लोडिंग करके जो लोड हो रहे हैं ट्रक उसमें से वो कब एंड होगा, ये दूसरा, क्योंकि ये हमारे पास समझ लो कि ये नेक्स्ट अकरिंग इवेंट है। ठीक है, फ्यूचर अकरिंग इवेंट है कि ये इवेंट अभी अकर होने वाला है, सही। एक ये लोड मतलब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे, और तीसरा हम लोग निकालेंगे ए एल क्यू जो अराइव होगा लोडिंग क्यू पे। ठीक है, यहाँ पे हम तीसरा मतलब ये तीन जगह पे हम लोग अपने इवेंट्स निकालेंगे, फ्यूचर इवेंट लिस्ट एफ ई एल, फ्यूचर इवेंट, हाँ सही, एफ ई एल, फ्यूचर इवेंट लिस्ट, फ्यूचर इवेंट हम लोग इन तीन जगहों पर निकालेंगे। बाकी रही बात कि देखो लोडिंग से स्केल का जो हमारे पास टाइम है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, जो हमारे सवाल में भी दिखा हुआ है टाइम ट्रेवल टाइम फॉर अ लोडर पूरे स्केल इज कंसिडर्ड नेगलिजिबल, वो हम लोग नेगलिजिबल काउंट कर रहे हैं, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सही है। हमारे पास जाएगा क्वान्टिटीज आ गए, हमारे पास सेट डंप ट्रक्स है, और लिस्ट आ गए, लिस्ट मतलब वही क्यू आ गई है, एक हमारे पास लोडर की क्यू है और एक हमारे पास वेट की क्यू है। अच्छा, एक्टिविटीज ये हो सकता है कि हमारे पास जो तीन तरह की एक्टिविटीज है कि लोड करने में टाइम लग रहा है, वेट करने में टाइम लग रहा है, और ट्रैवल होने में टाइम लग रहा है। बाकी जो सारी चीज़ें वो हमने सबको स्किप कर चुके हैं कि मतलब लोडर से वेट करने के दरमियान, वेट मतलब इसके लिए, ठीक है ना, लोडर से वेट करने के दरमियान जो हमारे पास टाइम लगेगा उसको हम लोग नेगलिजिबल कर चुके हैं। अच्छा, डिलेज कहाँ पे आ सकते हैं, ये वैसे इस सवाल में ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन एक कोई भी पार्ट है तो इसको देख लेते हैं। डिलेज है लोडर क्यू लोड करने में अगर कोई डिले आ गया, या डिले एट स्केल, इन दो जगह पे डिले हो सकता है, हो सकता है तो, लेकिन ये हमारे पास ज़्यादा काम नहीं आएगा। सर फिर हमारे पास देखो ये जो हमारे पास टेबल है, ये हमारे पास समझ लो कि एक तरीके से सिमुलेशन का डाटा दिया हुआ है कि इस टेबल को रखते हुए सामने हमें सिमुलेशन करनी है। ठीक है, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट फाइव ऑफ द ट्रक्स आर द लोडर,
एंड वन इज एट एट टाइम जीरो इसके सॉरी ठीक है। तो ये जो हमारे पास लाइन है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि इससे हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल हम किस सिचुएशन पे खड़े हुए हैं। हमारे पास ये सिचुएशन है कि पांच ट्रक जो है हमारे पास वो लोडर्स में है और एक ट्रक स्केल में है, जैसा कि बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास टोटल छः ट्रक थे, छः में से पाँच ट्रक इस हिस्से में अभी हैं कि वो लोड हो रहे हैं या लोडिंग क्यू में लगे हुए हैं, और एक ट्रक इस स्टेज में है कि वो लोड तो हो चुका है, वेट हो रहा है उसका, मतलब वेट हो रहा है मतलब वजन हो रहा है उसका। अच्छा एक और चीज़ है हमारे पास, ये बी एल और बी एस, बी एल बिजी टाइम ऑफ लोडर ये कितने टाइम वो बी एल लोडर बिजी रहा, और बिजी टाइम ऑफ स्केल कितने टाइम स्केल हमारे पास बिजी रहा। अब आ जाते हैं हम लोग एक्चुअल सवाल की तरफ, ये तो था हमने सिर्फ सवाल समझा, अब हम लोग आते हैं एक्चुअल सवाल की तरफ। तो सबसे पहले ऊपर जो हमारे पास कॉलम है उसको समझ लेते हैं। देखो क्लॉक ऑफ टी के कौन से टाइम पे ये इंस्टेंस अकर हो रहा है, एल एफ क्यू के लोडर क्यू हो गए हैं हमारे पास ठीक है ना, कि जो हमारे पास क्यू लग रही है इस जगह पे लोडर क्यू, फिर हमारे पास आ गया एल एफ पी के जो लोड हो रहा है कितने ट्रक लोड हो रहे हैं क्या हो रहा है वगैरह वो इस जगह पे आ गया। फिर आ गया हमारे पास डब्ल्यू एफ क्यू वेटिंग क्यू, वेटिंग क्यू ये जो हमारे पास वेट होने के लिए वजन होने के लिए जो क्यू लग रही है इस जगह पे। फिर हमारे पास आ जाते हैं वेटिंग टी के कौन से ट्रक या कितने ट्रक हमारे पास वेट हो रहे हैं वो ही आई है। फिर हमारे पास लिस्ट में आ जाते हैं लोडर क्यू और वेटिंग क्यू, दो तरह की लिस्ट है कि लोडर क्यू में हमारे पास कौन कौन से वो हैं ट्रक मौजूद हैं और वेटिंग क्यू में हमारे पास कौन कौन से ट्रक मौजूद हैं। फिर आ जाता है हमारे पास फ्यूचर इवेंट लिस्ट के अनकरीब कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं बी एल के हमारे पास लोडर क्यू का बिजी टाइम क्या है, सॉरी लोडर का बिजी टाइम क्या है, और फिर आ जाता है हमारे पास स्केल का बिजी टाइम क्या है ठीक है। अब इसको देखते हुए चलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है सर, देखते हैं। तो देखो हमारे पास स्टेज, ये स्टेज में क्या हुआ था कि एक हमारे पास ट्रक है वो स्केल में है ठीक है, ये इस जगह पे है, और बाकी पांच जो वो है वो इस जगह पे है ठीक है। तो हमारे समझ लो कि जैसे टी वन ट्रक नंबर वन यहाँ पे स्केल में है, मतलब वो डब्ल्यू ऑफ टी वेटिंग टाइम, डब्ल्यू हमारे पास जो सॉरी वेटिंग जो हो रहा है वो हमारे पास यहाँ पे है ठीक है ना, एक हमारे पास यहाँ पे वेटिंग क्यू हमारे पास खाली है, और लोडिंग में हमारे पास दो हैं टी टू और टी थ्री है, और लोडर क्यू में हमारे पास तीन मजीद हैं टी फोर फाइव और सिक्स है ठीक है। जस्ट लाइक दैट ये देखो हमारे पास लोडिंग क्यू में तीन है टी फोर टी फाइव टी सिक्स, लोड होते हुए दो हैं टी टू और टी थ्री है, वेटिंग क्यू में एक भी नहीं है, और वेट जो स्केल हो रहा है उसमें एक हमारे पास मौजूद है ठीक है। तो लोडर क्यू के अंदर हमारे पास जैसे हमने बात की कि डंप ट्रक फोर डंप ट्रक फाइव और डंप ट्रक सिक्स है लोडर क्यू के अंदर, वापस से मैं बता सकता हूँ देखो वेट के अंदर सॉरी हाँ जो वेट हो रहा है मतलब वजन हो रहा है वो हमारे पास डी टी वन ट्रक नंबर वन, ट्रक नंबर टू और ट्रक नंबर थ्री हमारे पास लोड हो रहे हैं, और जो क्यू में लगे हुए ट्रक नंबर फोर ट्रक नंबर फाइव और ट्रक नंबर सिक्स हमारे पास क्यू में लगे हुए हैं ठीक है, और वेटिंग क्यू हमारे पास खाली है। अब फ्यूचर इवेंट लिस्ट क्या आ सकती है, देखो सबसे पहले तो हमारे पास इवेंट फ्यूचर इवेंट लिस्ट आएगा कि एंड ऑफ वेटिंग ठीक है ना, जो वेटिंग का एंड है जो वजन हो रहा है उसका एंड होगा वो हमारे पास एक इवेंट अकर हो सकता है फ्यूचर इवेंट ठीक है ना। जैसे हमने बात की कि हमारे पास तीन तरह के इवेंट अकर हो सकते हैं, एक तो हमारे पास एंड ऑफ वेटिंग हो सकता है, एंड ऑफ लोडिंग हो सकता है, और अराइवल ऑफ लोडिंग क्यू हो सकता है, ये तीन तरह के इवेंट अकर सकते हैं, चौथा कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है इस सिनेरियो के अंदर। तो सबसे पहले एंड ऑफ वेटिंग के अंदर देखते हैं। अब हमारे पास देखो किस तरीके से इसको निकालेंगे, चलिए देखो ई डब्ल्यू सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कौन सा इवेंट हम लोग निकाल रहे हैं, एंड ऑफ वेटिंग निकाल रहे हैं। अच्छा कौन सा ट्रक नंबर होगा, ट्रक नंबर वन होगा यहाँ पे हमारे पास ठीक है, ट्रक नंबर वन पे हमने निकाला,
अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से होगा, ये जो बीच की टर्म है वो इस तरीके से होगी, जो हमारे पास टाइम है वो इस तरीके से निकलेगा, जो क्लॉक टाइम है उसको लेंगे प्लस जो सिनेरियो में हमारे पास गिवन टाइम है, तो क्लॉक टाइम हमारे पास 0 0 प्लस वेटिंग का टाइम हमारे पास क्या है 12 है, ठीक है। वेटिंग टाइम हमारे पास 12, अगर मैं इसको लेके चलूँ तो ज़्यादा बेस्ट होगा। फिर वेटिंग टाइम हमारे पास 12 है, ठीक है ना, तो ये हमने यूज कर लिया जस्ट लाइक दैट, ठीक है। वेटिंग टाइम हमारे पास 12 है, यहाँ पे आ गया 12, ठीक है। ये हमारे पास पूछा है मंडली चालीस, फिर हमारे पास आ जाता है एंड ऑफ लोडिंग, हमारे पास एक इवेंट आ रहा है, ठीक है। देखो हमारे पास T2 और T3 हमारे पास यहाँ पे थे, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं T2 का, ठीक है। अब T2 में हमारे पास क्या है, एंड ऑफ देखो एंड ऑफ एल सॉरी एंड ऑफ लोडिंग हमारे पास T2 है, हमारा एंड ऑफ लोडिंग हमने कहा कि ठीक है DT2 हमारे पास सबसे पहले एंड होगा। अब देखो इसका लोडिंग टाइम हमारे पास क्या होगा, क्लॉक टाइम प्लस जो लोडिंग टाइम हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये हमने यूज कर लिया 0 प्लस 10, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा इवेंट अकर हो रहा है कि देखो हमारे पास T2 तो था यहाँ पे, T3 भी हमारे पास ट्रक नंबर 3 भी हमारे पास यहाँ पे था, ठीक है। तो हमारे पास इसका भी होगा 0 प्लस जो सिनेरियो का टाइम है वो हम लोग ले लेंगे। ये देखो 10 हम लोग यूज कर चुके हैं, अब हम लोग ये 5 इस्तेमाल करेंगे। सही है, 0 प्लस 5 = 5, ठीक है। BT3, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। और हमारे पास जो बिजी टाइम है लोडर का, बिजी टाइम है स्केल का, ये लोग हम ये चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस वाले सिनेरियो से, ठीक है ना। प्रीवियस तो इसकी इनिशियली हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब हमारे पास फ्यूचर इवेंट लिस्ट, तो उसका मतलब आ गया है, ठीक है। अब इसमें से देखो सबसे लीस्ट कौन सा है, तो सबसे लीस्ट हमारे पास ये है EL of 5, मतलब 5 इंटरवल पे हमारे पास ये लिस्ट है। तो हम लोग इससे प्रोसीड करेंगे कि देखो 5 इंटरवल पे आ गया। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास T2 और T3 थे, अब T3 उठ के वेटिंग क्यू में आ गया और लोडिंग क्यू से एक उठ के T4 यहाँ पे आ गया, सही है। तो हमारे देखो वेटिंग तो एक हो रहा है, जो वेट हो रहा है, जो इसका वजन हो रहा है वो T1 तो यहाँ पे है। वेटिंग क्यू के जिसका वेट या मतलब जो क्यू में लगा हुआ है वेट, जो कि अभी हमारे पास नया है T3 यहाँ पे आया है, ठीक है। और फिर हमारे पास आके आ जाते हैं कि जो लोड हो रहा है, लोड कैसे कैसे दो हो रहे हैं, एक T2 हो रहा है और एक जो नया अभी आया है T4, ठीक है। इस स्केल पे हमारे पास कौन सा नया है, T4 आया है हमारे पास, ठीक है। और लेंथ पे हमारे पास लगे हुए हैं T5 और T6 हमारे पास यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, देखो T5 और T6 हमारे पास लोड में लगे हुए हैं और वेटिंग क्यू हमारे पास जो इसकी क्यू है हमारे पास जो नया अभी यहाँ पे T3 आया है, सही है। अब हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स हैं अकर होने के लिए, एक तो ये वाला इवेंट है कि T1 रिलीज होगा यहाँ से, जो कि हमारे पास गिवन था, एंड ऑफ वेट जो पुराना पिछला था वही हमने कॉपी कर लिया, और दूसरा इवेंट था जो T2 यहाँ पे था वो यहाँ पे जाएगा, लोडर खत्म होगा, ठीक है ना, एंड ऑफ लोड। तो एक T2 का तो था हमारे पास, जो नया था वो क्या था, T4 का था, कि जो T4 आया है वो एंड होगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, देखो एंड ऑफ वेटिंग तो हमने पिछले इसमें निकाल लिया था, मतलब T1 का निकाल लिया था, तो वही हमारा कॉपी हो गया, और एंड ऑफ लोडर भी हमारे पास T2 का भी कॉपी हो गया। जो नया हमारे पास ट्रक आया है T4 आया है लोडर के अंदर, जो कि अब एंड होगा, मतलब अंतरी वो एंड होगा। अब इसका हम लोग जो भी सिनेरियो वो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि देखो एंड ऑफ लोडिंग कॉमा T कॉमा कौन सा ट्रक है, T4 है, ठीक है ना। अब ये देखो 5 जो हमारे पास क्लॉक टाइम है 5 प्लस जो सिनेरियो का टाइम हमारे पास गिवन है, ये हमने यूज कर लिया जस्ट लाइक दैट।
ठीक है, लोडिंग टाइम हमारे पास इस्तेमाल हो गया, लोडिंग टाइम के इतना लोडिंग टाइम हमारे पास रहेगा, तो टोटल हमारे पास सिनेरियो क्या है, मतलब जो हमारे पास क्या बना, 5 + 5 10 बना DD4। अच्छा ये चीज़ तो हो गई, ये आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई कि फ्यूचर इवेंट लिस्ट क्या है, किस तरीके से हो रहा है। आगे आ जाते हैं कि देखो बिजी टाइम ऑफ स्केल कितना है। अब देखो 5 - 0 के टोटल हमारे पास कितना इंटरवल गुजर चुका है, 5 का इंटरवल हमारे पास गुजर चुका है, तो इस 5 के 5 में जो स्केल है वो बिजी रहा और दोनों लोडर बिजी रहे, वापस से स्केल इस 5 मिनट के अंदर स्केल पूरा के पूरा बिजी रहा और दोनों लोडर भी बिजी रहे, ठीक है ना। तो 5 तो हमने बिजी टाइम ऑफ स्केल लिख दिया, और क्योंकि हमारे पास लोडर 2 थे, एक लोडर 5 मिनट तक बिजी रहा, दूसरा लोडर 5 मिनट तक बिजी रहा, तो दोनों कितने हो गए, 10 मिनट तक बिजी रहे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज हो गई, तो सेकंड टॉपिक हमारे पास फाइनली कंप्लीट हो गई। तो आगे आते हम लोग के, देखो इसमें से सबसे लोवेस्ट क्या है, तो 2 लोवेस्ट है 10 10, ठीक है ना। तो इसमें से हम कोई सा भी एक इवेंट उठा देंगे, तो इस सवाल के अंदर जो उठाया गया है वो है हमारे पास T2 उठाया गया है, ये T2 हमारे पास फ्यूचर इवेंट लिस्ट था, तो वो लोडिंग लोडिंग लोड टाइम जहाँ पे जो लोड हो रहा था वहाँ से उठ के वो किस में चला गया, वेटिंग क्यू में चला गया, जो वेट हो रहा है क्यू उसके अंदर चला गया, ठीक है ना। अब वेटिंग क्यू के हमारे पास अंदर हमारे पास क्या है, T3 जो पहले से मौजूद था और भाई T2 आ गया, ठीक है। लोडिंग क्यू के अंदर हमारे पास क्या है, T6 है, सही। इसी तरीके से जो लोड हो रहे हैं T4 और T5 लोड हो रहे हैं, और जो अभी तक स्केल लिया जा रहा है T1 का, अभी तक हमारे पास स्केल लिया जा रहा है, मतलब वजन किया जा रहा है, तो अनकरीब इवेंट क्या है, वही चीज है स्केल वाला है, तो एंड ऑफ वेटिंग तो हमारे पास मौजूद है, वैसे के वैसे एंड ऑफ वेटिंग तो मौजूद है, ठीक है ना। लास्ट सवाल में जो हमारे पास छूट गया था, ये यहाँ पे जो T4 है वो भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब नया जो हमारे पास यहाँ पे T5 आया है एंड ऑफ लोडिंग, ठीक है, इस जगह पे देखो एंड ऑफ लोडिंग में जो T5 आया है वो एंड होगा अनकरीब, एंड ऑफ लोडिंग टाइम, अच्छा देखो 10 हमारे पास ब्लॉक इंटरवल 10 + जो हमारे पास नेक्स्ट लोडिंग टाइम वो ये है, सही है, 10 + 10 20 हो गया T5, सही। तो हमारे पास फ्यूचर इवेंट लिस्ट तो आई होप समझ आ गया होगा। फिर हमारे पास इसका देखो निकालने का तरीका क्या है, BS और BLE के पास समझ लो तो अच्छा ही रहेगा। खैर तरीका ये है कि देखो 10 - 5 कितना, 5, ठीक है। 5 टाइम हमारे पास कितना रहा, 5 टाइम हमारे पास 5 रहा, कि पिछले उसमें से हमारे पास 5 मिनट की और मजीद वर्किंग हुई है, ठीक है। अब 5 मिनट तक देखो स्केल तो पूरा के पूरा बिजी रहा 5 मिनट तक, ठीक है। इसी तरीके से लोडर है वो भी 5 मिनट तक, क्योंकि 2 लोडर थे तो 5:2 10, 5:2 10 हो गया हमारे पास, तो 10 मिनट तक स्केल भी बिजी रहा, तो इस पर्टिकुलर रॉ के अंदर 10 मिनट तक हमारे पास लोडर बिजी रहा और 5 मिनट तक हमारे पास स्केल बिजी रहा। लेकिन हमारे पास पहले से जो बिजी टाइम स्केल का था वो क्या था, 5 मिनट पहले से था और 10 मिनट स्केल टाइम लोडिंग टाइम का बिजी था, तो 5 + 5 = 10, 10 + 10 = 20, इस तरीके से हमारे पास ये चीज हुई। तो आई होप कि ये लाइन भी हमारे पास क्लियर हो गई। फिर आते हैं नेक्स्ट, अब इन तीनों में से हमारे पास सबसे लोवेस्ट क्या है, 10, 12 और 20 में से यकीनन 10 है, ठीक है ना, क्योंकि एंड ऑफ लोडिंग है। अब वो लोडिंग से हट के जो T4 है वो लोडिंग से हट जाएगा और किस में चला जाएगा, देखो यहाँ पे जो लोड हो रहा था T4 और T5 लोड हो रहा था, ये लोडिंग से हट जाएगा और किसमें चला जाएगा, वेट में चला जाएगा, जो वेटिंग क्यू के अंदर चला जाएगा। तो हमारे पास वेटिंग क्यू के अंदर देखो 3 आ गए, हमारे पास T3 मौजूद था, T2 मौजूद था, T4 एक नया आया, T1 अभी तक हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, किसके अंदर जो वेट हो रहा है। और फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि जो लोड हो रहा है उसके अंदर हमारे पास देखो T5 और T6 मौजूद है, और अब हमारे पास लोडिंग क्यू में कोई भी नहीं मौजूद, लोडिंग क्यू हमारे पास ब्लैंक है, जस्ट लाइक दैट, ओके। अब पिछले में से दो चीजें हमने उठा के आ गए, एक ये आ गया एंड ऑफ लोडिंग टाइम ऑफ T5 20 जो था हमारे पास जो पहले निकाला था, और एंड ऑफ वेटिंग टाइम जो
जो कि हमारे पास शुरू से चलता है वो आ रहा है D1 का, वो हमारे पास अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो नया है हमारे पास, जो नया है वो किसमें है, लोडिंग के अंदर आया है। लोडिंग के अंदर कौन सा है, T6 आया है। ठीक है, तो ये रहा है हमारे पास T6 एंड ऑफ लोडिंग। 10 हमारे पास यहाँ से क्या, 10 प्लस एंड ऑफ लोडिंग जो हमारे पास क्या, 15 है, 15 हमने दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास देखो T4 हमारे पास यहाँ पे आया, जो नया इवेंट इसके अंदर था वो T6 था। T6 का जो T6 का लोडिंग लोडिंग टाइम के लोडिंग के अंदर आए T6, तो इसका जो हम लोग नेक्स्ट फीचर इवेंट जो हम लोग निकलेगा वो इस तरीके से होगा, AL,T6 हो गया 10 यहाँ का प्लस 15 यहाँ से हमने रख दिया। ठीक है ना, इस लोडिंग टाइम पे हमने यहाँ से उठाया, सही है। फिर देखो ठीक है, अब इनमें से क्या, 12, 20, 25, इन तीनों में सबसे लीस्ट क्या है, हमारे पास 12 है। फाइनली जो हमारे पास वेटिंग था वो आप अपने ट्रेवलिंग की तरफ जाएगा, तो जो हमारे पास स्केलिंग वेटिंग जो था हमारे पास जो T1 था वो निकला यहाँ से अपने ट्रेवल की तरफ। तो स्ट्राइक दैट के जो वेटिंग में स्केलिंग में जो वेटिंग और स्केलिंग के अंदर जो T1 था वो ट्रेवलिंग की तरफ गया, सही है, सही। और फिर जो हमारे पास नेक्स्ट जो था T3 था वो वेटिंग के अंदर आ गया, तो इस तरीके से हमारे पास जो वेटिंग क्यू के अंदर थे T2 और T4 आ गए, और लोडिंग के अंदर हमारे पास वही अभी तक वही है T5 और T6 हमारे पास लोडिंग के अंदर है, और लोडिंग क्यू के अंदर हमारे पास कोई नहीं है, सही। तो जो कट किया जैसे वेटिंग और बस चला गया तो खत्म, बाकी ये तो हम लोग एज इट इज कॉपी कर लेंगे। T5 और T6 जो हमारे पास लोडिंग के अंदर था, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इवेंट है फ्यूचर इवेंट है वो ये है कि यहाँ से आप देखो, अगर यहाँ पे T3 था, अब वो एंड होगा वेटिंग के, ठीक है ना। अब वो एंड किस तरीके से होगा, EW एंड ऑफ वेटिंग T3 है, ठीक है ना। करंट जो हमारे पास काउंटर टाइम चल रहा है 12 प्लस, मर्जी देखो 12 हम लोग उठा लेंगे, सही है। तो 12 प्लस 12, 24 हमारे पास नेक्स्ट इवेंट आ गया। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट इवेंट है जो हमारे पास T1 जो अब हमारे पास ट्रेवल पे है वो हमारे पास एक इवेंट आ गया, और अराइविंग लोडिंग लोडर क्यू, आएगा लोडर क्यू पे वो आएगा, कब आएगा, 12 जो हमारे पास करंट है प्लस 60 जो हमारे पास कौन सा है, 60 हमारे पास ये रहा ट्रेवल टाइम जो हमारे पास जो पहले वो निकलेगा वो हमारे पास 60 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने 60 उठाया, 12 प्लस 60 = 72। अच्छा, यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइम जो BL और BSS वगैरह जो भी है, इससे एक जगह 12 - 10 = 2, तो 2 मिनट हमारे पास मजीद बढ़े, दोनों मिनट तक हमारे पास स्केल पूरा के पूरा बिजी रहा, तो मतलब 2, और जो हमारे पास जो लोडिंग है वो भी दोनों पूरे के पूरे बिजी रहे, तो 2:2, 2 × 2 = 4। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रॉ के अंदर ये 4 मिनट बिजी रहा लोडिंग लोड है, और जो स्केल है हमारे पास वो 2 मिनट बिजी रहा। इससे पहले ये 10 मिनट बिजी रह चुका था, और 10 + 2 = 12, ये 20 मिनट बिजी रह चुका था, 20 + 4 = 24, सही है। अब ये चार हमारे पास 20, 24, 25, 72, इन चारों में से लीस्ट हमारे पास क्या है, 20 है, जो कि क्या है T5 है, जो कि किसमें था, लोडिंग में था, जो कि अभी लोड हो रहा था। तो हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल आ गया 20, वे लोडिंग की हमारे पास वैसे ही खाली थी। अब हमारे पास जो लोडर थे, जो दो लोडर थे उसमें से एक अब फ्री हो गया, दो लोडर थे T5 और T6, T5 यहाँ से उठ के वेटिंग क्यू के अंदर चला गया, तो हमारे पास अब इसके अंदर एक फ्री हो गया, मतलब T6 ही रहता है ओनली। ठीक है, T5 हमारे पास लोडिंग क्यू के अंदर चला गया, सॉरी वेटिंग क्यू के अंदर चला गया, स्केलिंग क्यू के अंदर चला गया, T2 T4 और आगे हमारे पास T5 आ गया, सही। अब हमारे पास कोई, अब देखो जो हमारे पास पहले बात हुई थी कि
आज क्या हुई थी कि जो लोडिंग से लेके स्केलिंग का जो टाइम है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, उसको हम लोग कभी भी सिनेरियो के अंदर नहीं लाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्यूचर इवेंटेशन जो पहले हुई थी वही है हमारे पास। समर एक सेकेंड, ठीक है, तो हमारे पास T5 लोडिंग क्यों हमारे पास बन गया, सही। तो हमारे फ्यूचर इवेंट लिस्ट वैसे के वैसे रहे, अब जो नई चीज इसके अंदर है वो ये है, देखो 20 माइनस 12 8, ठीक है ना। अब 8 मिनट तक एक स्केल बिजी रहा, ठीक है, स्केल तो हमारे पास बिजी रहा, वेटिंग तो हमारे पास बिजी रही, तो यहाँ तो 8 आ गया, पुराना कितना बिजी था, 12 मिनट बिजी था, ठीक है, और 12 प्लस 8 20 हो गया, और दोनों लोडर उस वक्त तक बिजी थे। ठीक है, हम लोग जब भी ये लिखेंगे तो हम लोग पिछला सिनेरियो देखेंगे, ठीक है ना। तो दोनों स्केल हमें, दोनों लोडर हमारे पास बिजी थे, तो 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, 16 प्लस 24 40 हो गया, सही। आई होप ये क्लियर होगा। अब इसमें से नेक्स्ट इवेंट कौन सा, एंड ऑफ वेटिंग हमारे पास अकर होगा, जो वेट हमारे पास हो रहा है वो अकर होगा 24, सही, ये हमारे पास नेक्स्ट अकर होगा। तो 24 हमारे पास अकर हो गया, यहाँ पे आ गया 24। अब वेटिंग, अब देखो जो वेटिंग क्यू हमारे पास लगी हुई थी जो कि 3 थे, अब उसमें से एक उठ के चला गया, जो T2 था वो हमारे पास उठ के चला गया, एक्चुअल वेटिंग होने के लिए, स्केलिंग होने के लिए हमारे पास चला गया, स्केलिंग होने के लिए चला गया, ठीक है। T2 हमारे पास स्केलिंग होने के लिए चला गया, और T4 और T5 इसके अंदर, T6 हमारे पास लोड हो रहा है अभी, सही है। और फिर हमारे पास जो अपर होगा नेक्स्ट स्केलिंग, जो वेटिंग स्केलिंग हो रहा है, वेटिंग हो रहा है, कौन सा हो रहा है, T2 हो रहा है, उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, 24 प्लस 12 जो हमारे पास नेक्स्ट वेटिंग का है वो 12 हमने यूटिलाइज कर लिया, 24 प्लस 12 हो गया, DD2 आ गया इसी वजह से नॉर्मल ग्रेड से। और अब नेक्स्ट अराइविंग लोडिंग क्यू हमारे पास क्या होगी, जो T3 हमारे पास वेटिंग से निकला है वो अराइव होगा, ओके सर जी, 24 प्लस 100 होगा, 124 हमारे पास, वो 124 100 बट अलाव होगा DT3, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फ्यूचर इवेंट लिस्ट है। अब हमारे पास ये है कि देखो पिछले उसमें हमारे पास एक स्केल पूरे के पूरे बिजी था वैसे तो हमारे पास कितने मिनट का वक्त गुजरा, 4 मिनट का, तो 4 मिनट हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दिए, लेकिन हमारे पास लोडर देखो कितना बिजी था, पिछले रॉ के अंदर एक लोडर बिजी था, दूसरा लोडर बिजी नहीं था, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ 4 मिनट मजीद बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो 40 प्लस 4 44, अगर दोनों लोडर बिजी है तो यहाँ पे 48 आता, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ एक ही लोडर बिजी है, तो हमारे पास क्या आएगा, 44 आ गया, सही। अब इसके अंदर से सबसे जो स्मॉलेस्ट क्या है, 25 है, 25 जो DT6 है, 25 अकड़ हो गया, ठीक है, जो कि क्या हो रहा था, लोडिंग हो रहा था, अब वो लोडिंग से उठ के वेटिंग क्यू के अंदर चला गया। अब वेटिंग क्यू के अंदर जो कि पहले से मौजूद है T4 और T5 मौजूद थे, T6 भी हमारे पास वेटिंग क्यू के अंदर आ गया, और जो वे एक्चुअल वेट हो रहा है T2 का हमारे पास जो वेट हो रहा है वो वहाँ पर यहीं पे वेट हो रहा है, ठीक है ना। अब जो पुराने में हमने फ्यूचर इवेंट लिस्ट उठाई, तो जो कैसे कॉपी कर, नया कोई इवेंट आकर नहीं हो रहा, देखो हमारे पास सिर्फ 3 तरह के इवेंट है, या एंड होगा, लोडिंग हमारे पास एंड होगी, या वेटिंग हमारे पास एंड होगी, या हमारे पास अराइविंग होगी लोडिंग क्यू की, ठीक है ना। तो हमारे पास कोई ऐसा नया इवेंट आकर नहीं हुआ इस पर्टिकुलर सिनेरियो ड्रॉ के अंदर, ठीक। लेकिन हमारे पास क्या कि जो स्केल हमारे पास बिजी रहा इस पिछले 1 मिनट में, पूरा 1 मिनट बिजी रहा, तो 24 प्लस 1 25, और जो पिछले उसमें हमारे पास जो लोडर बिजी रहा वो एक ही लोडर बिजी रहा, तो 24 प्लस 1 45, सही है, ये लोडर हमारे पास बिजी रहा, तो हमारे पास ये चीज़ आ गया। फिर नेक्स्ट में इन तीनों में जो सबसे लीस्ट एमिनेंट है, स्मॉलेस्ट है, वो क्या है, 36 है, एंड ऑफ वेटिंग हो गया हमारे पास, 36 हमने उठा के नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल आ गया, सही। अब वेटिंग से हमारे पास एक उठ के चला गया, जो सॉरी T2 था वो हमारे पास वेटिंग छोड़ के कहाँ पे चला गया, अराइविंग लोडिंग क्यू के अंदर चला गया, मतलब वो ट्रैवल के अंदर चला गया, सही है। और जो वेटिंग क्यू के अंदर हमारे पास जो था उसमें से एक उठ के जो T4 जो सबसे पहले आया था T4, वो उठ के किसमें आ गया, वेटिंग के अंदर आ गया, से अब T4 वेट हो रहा है। अब हमारे पास इसके अंदर दो इवेंट नए अकर हुए, एक तो जो T2 है वो
ट्रैवल के लिए चला गया, मतलब उसका 1 घंटा अगर होगा अराइविंग लोडिंग भी होगा, और एक जो हमारे पास T4 है वो वेटिंग के अंदर रखा होगा, मतलब एंड ऑफ वेटिंग हमारे पास वॉकर होगा। तो T4 का जो एंड ऑफ वेटिंग क्या होगा, करंट टाइम क्या है हमारे पास 36 प्लस 16, क्योंकि प्रोबेबली कितना बनता है हमारे पास, 36 52 बनता है हमारे पास, सही यहाँ पे ही आ गया। और जो अराइविंग जो T2 का जो हमारे पास अराइविंग लोडिंग क्यू है हमारे पास T2 का, वो क्या है 36 प्लस 40, ठीक है, वो हमारे पास नेक्स्ट T2 हमारे पास अराइव होगा लोडिंग क्यू के अंदर। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ये है हमारे पास 52 स्मॉलेस्ट है। अच्छा ये भी मेरे से निकालने तो आ गया होगा क्या, कि देखो हमारे पास 36 माइनस 25 कितने हुआ, 11 हुआ, सही है। तो इस 11 मिनट में पिछले में देखो स्केल बिजी का बिजी रहा है स्केल, तो 11 मिनट में तो हमारे पास प्लस कर दिया 25 प्लस 11 36 कर दिया, लेकिन हमारे पास जो लोडर है वो बिल्कुल भी बिजी नहीं है, तो वैसे के वैसे 45 से 45 दे रहा, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब क्या हमारे पास अकड़ हुआ एंड ऑफ वेटिंग, वेटिंग हमारे पास अकर हुआ, सही। अब वेटिंग हमारे पास देखो, जब वेट हमारे पास एंड हुआ तो दो इवेंट अकर हुए। अब वेट हमारे पास ट्रेवल में जाएगा, जो T4 है वो हमारे पास ट्रेवलिंग ट्रेवल में जाएगा, तो हमारे पास ट्रेवल को हम लोग निकालेंगे, और जो वेटिंग क्यू के अंदर था वो वेट के अंदर आएगा, सही। तो इस तरीके से एंड ऑफ वेटिंग का एक नया इवेंट अकर होगा। तो एंड ऑफ वेटिंग के सबसे पहले निकालते हैं, एंड ऑफ वेटिंग क्या है कि जो करंट टाइम है कौन सा हमारे पास अकर हुआ, देखो T5 जो है हमारे पास वो वेटिंग के अंदर आ गया, मतलब स्केलिंग के अंदर आ गया है, सही है। तो ये हमारे इसका एक इवेंट अगर होगा 52 प्लस 12, ये इवेंट अगर हुआ, और जो हमारे पास जो कौन सा था T4 था, जो कि हमारे पास क्या हो रहा था वेट हो रहा था, वो चला गया घूमने के लिए, मतलब ये ट्रैवल के लिए गया, तो एक वो अगर होने का है अराइविंग लोडिंग क्यू, तो एक ये वो भी अकर होगा। तो सर क्या होगा 52 प्लस जो लोडिंग टाइम है 40, ये अकर होगा 52 प्लस 40, T4 वहाँ पर ये अकर होगा, सही। और फिर वही चीज़ है, 52 माइनस 36 16 बनता है, स्केल बिजी था 36 प्लस 16, स्केल वहाँ पर ऐसे कैसे आ गया और वो वहाँ पर ऐसे कैसे ही आ गया, होपफुली चीज़ क्लियर होगी। इसमें से स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट ये है एंड ऑफ वेटिंग, और स्मॉलर है कि ये भी अब घूमने जाएगा, एंड ऑफ वेटिंग 64 हमारे पास आ गया। अब देखो अब हमारे पास देखो अब एक ही हमारे पास T6 बचा हुआ था, सही है। T6 हमारे पास वेटिंग क्यू के अंदर था, वो अब चला गया हमारे पास वेटिंग के अंदर चला गया, वो अब स्केल हो रहा है, सही है। और जो हमारे पास T5 था जो वेटिंग के अंदर था वो चला गया ट्रेवल के लिए। तो देखो जो हमारे पास वेटिंग के अंदर कौन सा आया ना, T6 आया, T6 का जो इवेंट अगर होगा T6 का क्या हमारे पास होगा, ये रहा देखो 64 प्लस ये वाले 16, ठीक है, वेटिंग टाइम हमारे पास आ गया 64 प्लस 16 कितना भी हुआ, सही। और फिर जो हमारे पास सबसे पहले क्या था T5 वाला इवेंट था, 64 प्लस जो लोडिंग टाइम और ट्रेवलिंग टाइम जो था हमारे 80, 80 हमारे पास ट्रेवलिंग टाइम आ गया, सही। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर पूरे के पूरे स्केल हमारे पास बिजी रहा, उसको एडअप कर देंगे, और हमारे पास लोडिंग कुछ भी बिजी नहीं रहा लोडिंग, तो उसको एडअप हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ तक तो ये चीज़ हो गई है। फिर पुराने सारे इवेंट उठा के हमने रख दिए, अब हमारे पास देखो अब हमारे पास इसके अंदर कौन, अरे यार हाँ ये थ्री गया। अब इसके अंदर जो हमारे पास देखो कौन सा इवेंट अगर होगा 72, मतलब अराइविंग लोडिंग क्यू, अब वो अराइव हो गया, T1 जो हमारे पास ट्रेवल हुआ था वो अराइव हो गया, अराइव होने के साथ वो किस में चला गया लोडिंग के अंदर चला गया, अराइविंग होने के साथ वो किसके अंदर चला गया लोडिंग, अरे यार अराइविंग होने के साथ वो किसके अंदर चला गया लोडिंग के अंदर चला गया, ठीक है ना। तो अब देखो लोडिंग अब हमारे पास एक्टिव हो गया, अब वो लोड हो रहा है, सही है। और एक तो T6 हमारे पास अभी भी वेट हो रहा था, सही, नया लोड आ गया। अब ये हमारे पास एक नया इवेंट होगा एंड ऑफ लोडिंग, ये भी एंड होगा कभी, 72 प्लस 10 ये वाला 10 हमारे पास यूज हो गया, सही है। एक लोडिंग हमारे पास अब इस पॉइंट पे आके बिजी हो गया। अब वही चीज को देखो स्केल तो हो रहा है लेकिन लोड, अच्छा ये भी बात है कि देखो इस पर्टिकुलर रॉक के अंदर
से इसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो फर्क है लोडिंग का या स्पेलिंग का, वो पिछले रॉ के अंदर है, तो पिछले में वो तो नहीं हो रहा था लोड, ये तो अभी लोड होना शुरू हुआ है, तो इसको हम लोग मजीद बढ़ाएंगे नहीं। सही, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे लीस्ट हमारे पास 76 से 77 में लिखा। अब देखो लोड हो रहा है हमारे पास, देखो अब 76 क्या है कि अब ट्रक नंबर 2 भी हमारे पास घूम फिर के आ गया है वापस लोडिंग के लिए। अब वो यहाँ पे आके लोड हो रहा है, तो उसका जो नेक्स्ट फ्यूचर इवेंट लिस्ट हमारे पास क्या बनेगी, 76 प्लस 10, ठीक है, 76 प्लस 10 बना हमारे पास फ्यूचर इवेंट लिस्ट। और बाकी सारे के सारे उसको भी हो गए, और जो स्केलिंग हमारे पास जो पर्टिकुलर स्केलिंग थी वो हमारे पास वैसे वैसे रही, 76 माइनस 72 इज 4, ठीक है 4। और जो हमारे पास जो लोडर है वो 4 मिनट तक, क्योंकि एक ही पिछले उसके अंदर जिसने एक ही लोडर ने काम किया था, 4 मिनट तक हमारे पास वो लोडर हमारे पास ये 4 मिनट तक वो बिजी रहा, ठीक है 49। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास शहरी खत्म हो गया, तो टोटल बिजी टाइम हमारे पास 76 रहा इसका स्केलिंग का, लोडिंग का टोटल बिजी टाइम हमारे पास 49 रहा। सही है। अब हमारे पास जो हम लोग निकालेंगे एवरेज लोडर यूटिलाइजेशन के, टोटल जो लोडर का टाइम था 49 रहा था, क्योंकि दो लोडर थे इसलिए डिवाइड बाय 2 किया, और टोटल टाइम हमने कितना इसमें लगाया, 76 मिनट तक का हमने टोटल टाइम यूज करा। देखो टोटल टाइम जो हमारे पास क्लॉक टाइम यूज हुआ 76 मिनट का हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एवरेज लोडर यूटिलाइजेशन जो कि हमारे सवाल जो हमें सवाल निकालना था वो हमने वो आ गया 0.32, और इसके यूटिलाइजेशन कितना रहा, देखो पूरे का पूरा 76 मिनट तक इसके यूटिलाइज हुआ है। सही है। तो 76, और एक ही स्केल था हमारे पास, दो स्केल नहीं थे, एक ही स्केल था, तो 76 इंटू 76 पूरा का पूरा टाइम हमारे पास जला। तो बस इतनी सी चीज़ निकालने के लिए हमने इतनी मेहनत करी, ठीक है। सो आई होप कुछ तक समझ आ गया हो। थैंक यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़।